लगता है पाकिस्तान के चक्कर में एक एक करके जो भी देश इस्लामिक दुनिया का नया मसीहा बनने की सोच रहे हैं, सबकी हालत अब खराब होने वाली है। पहले मलेशिया, अब तुर्की की बारी है। सरकारी अधिकारियों की माने तो भारत इन दोनों देशों के साथ ही व्यापार कम कर सकता है या तो समाप्त कर सकता है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार मलेशिया से तांबा, एल्युमिनियम वायर, कंप्यूटर और टेलीकॉम प्रोडक्ट्स, टर्बोजेट और लिक्विड नेचुरल गैस पर भी कंट्रोल लगाने की तैयारी में है। साथ ही तुर्की से भी तेल और स्टील मंगाना कम कर सकती है। भारत ने कश्मीर से धारा 370 क्या हटा दी, पाकिस्तान का जैसे सब कुछ लुट गया हो। और तो और दुनिया भर में घूम घूम कर भारत के खिलाफ पाकिस्तान समर्थन जुटाने में लग गया, पर ऐसा करके पाकिस्तान के हाथ कुछ भी नहीं लगा। दुनिया का कोई भी देश भारत के खिलाफ नहीं गया, बल्कि मुस्लिम देशों के समर्थन भारत को मिलने लगे। पर इन सब के बीच पाकिस्तान को मलेशिया और तुर्की जैसे देशों का साथ मिला और इन दोनों ही देशों ने भारत के खिलाफ जाकर आतंक के पिटारे का साथ दिया। और तो और भारत के आंतरिक मामलों में अपनी टांग भी अड़ाई और इन्हीं सब का परिणाम इन दोनों देशों को भुगतना भी पड़ रहा है। इससे पहले मंगलवार को ये खबर सामने आई थी कि पाम ऑयल के बाद मलेशिया से इम्पोर्ट होने वाली अन्य चीजों जैसे माइक्रोप्रोसेसर को भी भारत सरकार ने निशाना बनाना शुरू कर दिया है। और वहीं दूसरी तरफ भारत के खिलाफ गलत बयानबाजी और आंतरिक मामलों में टिप्पणी करने की वजह से तुर्की पर भी गाज गिरना तय माना जा रहा है। तुर्की के साथ भारत के कूटनीतिक रिश्ते पिछले साल से ही खराब चल रहे हैं, जब तुर्की के राष्ट्रपति ने यूएन में खड़े होकर कश्मीर मुद्दे पर भारत की आलोचना की थी। इसके अलावा कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर तुर्की भारत के हितों के खिलाफ जाकर पाकिस्तान का पक्ष लेता आया है। उदाहरण के तौर पर एनएसजी में पाकिस्तान की सदस्यता का समर्थन और एफएटीएफ में पाकिस्तान की पैरवी करने से भी नई दिल्ली में अंकारा के खिलाफ गुस्सा है। अब भारत सरकार चाहती है कि इसके लिए दंड के रूप में तुर्की से होने वाले इम्पोर्ट को कम या बंद किया जा सकता है। और इसके मद्देनजर सरकार ने अपनी रणनीति बनाना भी शुरू कर दिया है और ये सब पाकिस्तान का समर्थन करने का ही नतीजा है। जहां दुनिया के कई देशों ने भारत के कश्मीर पर उठाए गए कदम की सराहना की और समर्थन दिया, वहीं दूसरी तरफ इन देशों ने पाकिस्तान के समर्थन में भारत के आंतरिक मामलों में दखल दिया और गलत बयानबाजी दी। वैसे भारत ने तुर्की पर प्रतिबंध लगाने की शुरुआत बहुत पहले ही शुरू कर दी थी। भारत सरकार ने तुर्की की एक कंपनी के साथ $2.3 बिलियन की डील को रद्द कर दिया था। इसके अलावा उसी महीने भारत ने तुर्की को दिए जाने वाले डिफेंस एक्सपोर्ट में भी कटौती कर दी थी। और इसी के जरिए भारत ने तुर्की को यह संदेश भेजने की कोशिश की थी कि भारत सरकार तुर्की के रवैये से बिल्कुल खुश नहीं है। लेकिन इसके बाद जिस तरह तुर्की ने एनएसजी और एफएटीएफ में पाकिस्तान का खुलेआम पक्ष लिया है, तो उसके बाद भारत तुर्की के इम्पोर्ट को बंद या तो फिर कम करके उसकी अर्थव्यवस्था को झटका पहुंचाएगा। और जो भारत आगे कार्रवाई करेगा उससे दोनों ही देशों को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है।